गरीब आदमियों की बेटियों की शादी के लिए उन्होंने अपना कहीं कोई फायदा ढूंढने के लिए पैसे जमा कर रहे थे विश्वास पर। अब ये लोग कह रहे हैं पुलिस उनके या तो पैसा लौटाएं वापस, और पैसा उनको नहीं लौटाया जाता तो उनकी शादियों को कराएं, तब जाके आगे दोबारा से हमें विश्वास हो जाएगा, फिर चालू करवा देंगे काम। गैप जो पैसा इनको उतर रहा है, कोई जिंद भूत पैसा ना दे रहा है कोई, या फिर इनको भाई पीछे से कोई एनजीओ दे रही है विदेश से पैसा आ रहा है, तो आगे प्रूफ बता कहां से आ रहा पैसे। अगर एक भी चीज पैदा कर दे तो गारंटी है बात की। क्या आप इस वक्त में समाज के साथ खड़े हो, जो गरीब समाज? हम तो भाई साहब गरीब समाज के साथ ही खड़े हैं, आज भी खड़े हैं और पहले से ही खड़े हैं। हमारा जो अंदर आत्माएं हैं वो गरीब समाजों के साथ ही रहती है हर तरीके से, और सामाजिक काम में हम जुड़े ही रहते हैं जी। सर, बताने ओ, अब गरीबों के फोन आने शुरू हो गए हैं, कुछ लोग ऐसे जिनकी शादी हो गई है, कुछ ऐसे हैं जिनकी होने वाली है, ना उनको सामान मिल रहा है, ना उनको कोई लाभ या पैसा वगैरह वापस हो रहा है। तो आप हमेशा समाज के साथ खड़े रहते हैं, समाज की आवाज़ बुलंद करते हैं, तो इससे आप क्या मैसेज देना चाहोगे समाज के? देखो बात एक बात है, आप एक बात समझिए, 4 महीने के लिए मैं 1.5 लाख रुपया आपको देता हूँ, तो आप 2.5 लाख रुपए बना के दे रहे हो, जादू की छड़ी तो आपके पास है नहीं, उसी में तो कहीं ना कहीं कोई न कोई चीज को आप कमती बढ़ती करोगे, या फिर आपका कोई टारगेट होगा कि भाई हम 4 महीने के अंदर 50 शादी कर रहे हैं या 100 शादी कर रहे हैं, 200 शादी कर रहे हैं, लेकिन 4 महीने के अंदर 200 शादी अगर हुई तो 200 शादियों का प्रचार कितना बड़ा होगा, और वो प्रचार हजारों लोगों से कहेगा कि भाई हमारी शादी बहुत अच्छी भली हो गई, और वो बेचारे दुआ भी देंगे उनके लिए, उन फायदा मिल रहा है तो फायदा मिल रहा है, दुआ देंगे और सिफारिश करेंगे तो हजारों लोग उस फायदा उठाने के लिए कदम रखेंगे आगे। तो आगे जब हजारों लोग आ रहे हैं तो उन्हीं पैसों में से कमती बढ़ती करके वो लोग नीचे वाले जो 4 महीने वाले जैसे पहले जो अर्जी लगी हुई रहती है उन्हीं को वो मतलब उसमें से ही कमती बढ़ती करते हैं, उनकी पूर्ति करके वो शादियां करा देते हैं, फिर उनके लेवल और बड़ा हो जाता है, शादी होने वाली शादियों का सिफारिश बढ़ जाती है, इसी तरह से चलते चलते इन लोगों का मतलब वो मामला आगे बढ़ गया, पूरी मेवात में पैर गए, और मेवात वालों को पता लगने लगा कि वास्तव में वो लोग खरा उतर रहे हैं, और शादियों में जो बढ़ा कर रुपया दे रहे हैं मदद कर रहे हैं वो वास्तव में सच्चाई है बिल्कुल, और जो लोग उनके लिए मतलब इस चीज की पूरी तरीके से सचोटी हो गई तो फिर और लोगों ने भी ये सोच लिया कि भाई फिर तो बिल्कुल ओके मामला है, वो कहीं से भी आ रहा हो, चाहे वो आसमान से पैसा उतर रहा हो, चाहे वो कहीं एंजॉय दे रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, यार अब तो अपन सबके ही शादी हो रही है। अच्छा, जो लोग अब परेशान हैं, बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, टाइम पर गरीब लोग रिश्ता ना कर पाए हैं, और जिनका उन्होंने पैसा जमा कर रखा है वो लोग, उनके लिए ना पैसा मिला ना सामान मिला, तो समझ सारे बहुत सारे लोगों के मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा है कि भाई हमने खेत खड़ा खेत धर के पैसे दिए हैं, या हमने अपने प्लॉट बेची है जब पैसा दिया है, या हमने चक्री बेची है जब पैसा दिया है, या हमने कोई और बड़े बड़े नुकसान, बहुत गरीब लोगों ने इन्हें पैसा भरा है, जो अमीर लोग हैं ना जो मीडियम से थोड़ा और हाई लेवल के हैं उन लोगों की जरूरत ही नहीं पैसे भरने की, पैसा तो निहात गरीब आदमी भरता है, और निहात गरीब आदमियों का ये पैसा है, अगर इन लोगों ने प्री प्लानिंग से काम करा है तो इनको अल्लाह पाक बिल्कुल बकस नहीं पाएगा। क्या आप इस वक्त में समाज के साथ खड़े हो, जो गरीब समाज? हम तो भाई साहब गरीब समाज के साथ ही खड़े हैं, आज भी खड़े हैं और पहले से ही खड़े हैं। हमारा जो अंदर आत्माएं हैं वो गरीब समाजों के साथ ही रहती है हर तरीके से, और सामाजिक काम में हम जुड़े ही रहते हैं जी। सर, बताने की बात भी क्या है सर, लगता तो नहीं है कि ये काम फिर से शुरू हो पाएगा? नहीं, ये काम लेकिन होना भी नहीं चाहिए शुरू। तो देखो मेरी बात सुनो, जितनी अर्जियां अब तक ठुकी हुई है ना तो वो आदमी खरा उतरे, उनके या तो पैसा लौटाएं वापस, और पैसा उनको नहीं लौटाया जाता तो उनकी शादियों को कराएं, तब जाके आगे दोबारा से हमें विश्वास हो जाएगा, फिर चालू करवा देंगे काम। मेरा निवेदन है सभी मेवात वालों से, चाहे कोई अच्छे लिबास में हो, चाहे आपको अच्छा पढ़ा लिखा लग रहा हो, चाहे वो अच्छा आपको, आप कौन सी नजर से उसको देखते हो, शादी के नाम पे कम पैसा देकर ज्यादा पैसा शादी में खर्च करवाने के झांसे में किसी के चक्कर में मत पड़ना, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लालच और स्वार्थ में मत आना किसी के भी, इस मेवात के अंदर चाहे कहीं भी कोई काम कर रहा हो, ये मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, आप जहां जाओगे फंसोगे 100%। इनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, कहीं टाइम पे मोटरसाइकिल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, मामला बिल्कुल गड़बड़ है। अगर आप गरीबों की मदद कर रहे हो, गरीब आदमियों की सहायता में आप जुड़े हुए हो, तो प्रशासन भी ऐसा नालायक नहीं है, ना प्रशासन इतनी गलत चीज को समझता है कि गरीबों की कोई मदद करे और उस मदद या को प्रशासन परेशान करे। प्रशासन इतनी निकम्मी हरकत कर नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। आप एक्चुअल बताओ कि इसमें आगे के लिए आपकी जो आगे की रणनीति हो क्या है, जो बैकग्राउंड में आपके झोड़े में जो पैसा बजट है और जो अर्जियां लगी हुई हैं अथा, उन अथा अर्जियों में आपको क्या करना है, आप क्या उन
टाइम टेबल जो तारीख फिक्स दे रखी है आपने उनसे खरा उतर पाएंगे या खरा नहीं उतर पाएंगे ये बता दो मेरे को पहले, और फिर हम आपसे बात करेंगे बैठ के। आप हमें ये विश्वास दे देना कि तुम्हारे इस खेल तमाशे के पीछे कहीं कोई धोखे की गठड़ी तो नहीं है। अगर तुम्हारे इस खेल के अंदर धोखा है तो भाई साहब आप वो बताओ, और धोखा नहीं है भाई ईमानदार इस तुम काम करना चाहते हो तो मैं आपका भाई आपके वहां आलती पालती मार के बैठेगा और अर्जियां लगवाएंगे, चाहे एसपी से परमिशन लेना पड़े, कलेक्टर से लेना पड़े, चाहे अधिकारियों से हमें तालमेल बिठाना पड़े या उनसे हमें बात करनी पड़े। अगर निर्दोष लोगों को परेशान कर रहे हैं तो हम तो आईजी को एसपी को दे देंगे पैसा साहब, आप ले लो 1.5-1.5 लाख, आप 2.5-2.5 लाख दे दो 4 महीने में। तो आप अगर ऐसा कर रहे हो और आप पे कहीं से भी बजट आ रहा है एनजीओ का तो वो प्रूफ करना पड़ेगा आपको। ऐसा ना हो जाए कि हम आपके पक्ष में बोल जाए और आपके पक्ष में बोल के आप हमारे आड़ में आकर के यहाँ बड़ा गेम खेल जाओ। उसने मेरे से तुरंत कहा था कि सरपंच साहब 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, उसकी 5 मिनट आज तक नहीं हुई। तो जब उसने आज तक 1-1.5 महीने बात न हो, आज तक कॉल ना करो जी, हम तो कोई भी ना ले, हम तो उसकी मदद में थे। अगर वो ईमानदार है तो मदद करते, अगर बेईमान है तो हम बिल्कुल ना। ये लास्ट सवाल आपसे ये है, दोनों समुदाय के लोग हिंदू या मुस्लिम उनके दरवाजे पे जाते हैं, वो अपनी तारीख बताते हैं, आने वाली 9 तारीख की 8 तारीख की शादी है, तो वहाँ से ना सामान मिलता है ना पैसा, बल्कि उनको बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया जाता है, ये लोगों का कहना है, तो आप क्या मैसेज दोगे उनके लिए? देखो ऐसा है जी, जब तारीख नजदीक आ रही है और तारीख आने पे उनसे वो खरा ना उतर पा रहा, तो देखो गरीब आदमी तो रोड़ो सोरा शोर शराब करेंगे, अर्जियों के एवज में आपके लिए कोई चेक दिया हो इन लोगों ने, कोई तुम्हारे लिए एफिडेविट लिख के दिया हो 1.5 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, या इनके एवज में कोई वीडियो क्लिप भी बनाई हो तुमने, ज्यादा बड़ी बात तो क्या है? ये तो एक बाल बराबर प्रूफ तक नहीं दे रहे तुम्हारे लिए, क्या प्रूफ है? कोर्ट में क्या पेश करोगे तुम? मौके के लिए बोलोगे वहां जाके हमने 1.5 लाख दिए इनके लिए, क्या मायने रखेगा वो? क्या सजा बुल पाएगी ना आदमियों की? अगर इन्होंने हरकत जानबूझ करी है तो, अगर ये जानबूझ के इन लोगों ने कदम उठाया है और गरीबों के साथ अन्याय किया है तो इनका हसर बुरा देख लेना, ये बहुत बुरी बात है। ये अन्याय कौम की बद्दुआ बर्दाश्त नहीं होगी बिल्कुल, ये बद्दुआ इन पे जरूर लगेगी अगर इन आदमियों ने गलत काम जानबूझ किया है, और जिन जानबूझ के नहीं किया ये काम, ये वास्तव में कहीं कोई भाई गैब से पैसा इनको उतर रहा है, कोई जिंद भूत पैसा ने दे रहा है कोई, या फिर इनको भाई पीछे से कोई एनजीओ दे रही है विदेश से पैसा आ रहा है, तो वहां प्रूफ बता कहां से आ रहा पैसे? अगर एक भी चीज पैदा कर दे तो गारंटी है बात की, लेकिन हम तो नू ना बोल रहे कौम हम पे दाड़ पीसती है 1 मिनट में।